जा रहे हैं हम एक लंबे ट्रिप पे, तो हम अटल टनल क्रॉस करके जाएंगे। ये राइट साइड पे जो थार खड़ी है इनका कोई मसला है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा DHL का ट्रक आ गया है और ट्रैफिक रुकवा दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। और आज एक नया ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। रात के 12:30 बजे जा रहे हैं हम एक लंबे ट्रिप पे। तो कहाँ जा रहे हैं वो रास्ते में बताते हैं। अभी सामान जो है वो गाड़ी में बिल्कुल पैक कर दिया है, तो 10-11 दिन का ट्रिप है, तो निकलते हैं बस। सब तैयार है, मिक्स ट्रिप है, बहुत लॉन्ग अवेटेड ट्रिप है ये। बहुत सालों से इस पर काम चल रहा था, जो अब जाके क्या कहते हैं सिरे चढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं फिर और गाड़ी में बात करते हैं। परन जा रहा है साथ में। बहुत अड़चना आई है, बड़ी मुश्किल से। हाँ, क्या क्या अड़चने आई वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंच के बताता हूँ। चलो। हेलो गाइस, मैं आ गया और मेरे मम्मा। हेलो, देख लो, लेके नहीं जाते साथ में। अब दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तेरा एतबार ना रहा। सो निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे और गाड़ी में बैठ गए हैं। मतलब गाड़ी चल रही है तो बैठ ही गए, मतलब अभी अनंतपुर साहब में ही है। अनंतपुर साहब से स्टार्ट कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में कीरतपुर साहब पहुंच जाएंगे। वहाँ से मनाली की रोड पकड़ेंगे। अभी जो टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 54 मिनट का दिखा रहा है। 54 कितने होते हैं? नहीं मतलब हिंदी में 54। हाँ, 6 घंटे 54 मिनट दिखा रहा है। 6 hours 54 minutes जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन जो हमारी है आज है जिस्पा। तो हम अटल टनल क्रॉस करके जाएंगे। इस टाइम हम इसलिए जल्दी निकल रहे हैं कि हम मनाली का जो ट्रैफिक होता है, मनाली से पहले का और अटल टनल से पहले का, सोलांग वैली का, वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस टाइम निकल रहे हैं। तो अभी बजे हैं रात के 12:25। अराइवल टाइम वहाँ का दिखा रहा है 6:15-7 बजे का। बढ़िया है। हालांकि हमारी बुकिंग जो है वो मतलब चेक इन थोड़ा लेट ही होता है, तो बट ये है कि वहाँ जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी रात ड्राइव करेंगे। तो वहाँ जाके नाश्ता करके थोड़ा सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, क्योंकि परसों हमें उससे आगे निकलना है। अब आगे कहाँ निकलना है हमें तो गई हो गए, बट कोई नहीं, बताते हैं जाके फिर। होपफुली बढ़िया रहे और रास्ता सारा अच्छा रहे, कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। लोग कीरतपुर साहब में मनाली वाला फ्लाईओवर चढ़ गए हम और बस यहाँ से 6.25 घंटे ओनली। मेनली आगे का टाइम है, मतलब मनाली तक तो आई थिंक 4.5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए, अगर ट्रैफिक ना मिला तो। ये पहला टोल है इस रोड का। कीरतपुर साहब निकलने के बाद जो ये हाईवे बना है, तो इसका पहला टोल है और यहीं पे काफ़ी ट्रैफिक है, अच्छा खासा ट्रैफिक है। आगे जाके पता नहीं क्या होगा। सब हमारी तरह सोच रहे हैं ना कि टाइम से निकल, रात को कम रश मिलेगा, तो सबको रश मिल रहा है। ये राइट साइड पे जो थार खड़ी है इनका कोई मसला है पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाला खोलने को कह रहा था, उसने खोला फिर बंद कर दिया। जाने तो नहीं देगा। क्या दिक्कत। सो निकल आए टोल पे। बस अब एक जो पंजाब हिमाचल बॉर्डर वाला होता है टोल, छोटी गाड़ी के लिए 50 का होता है, 60 का शायद, इसके लिए बड़ी के लिए शायद पता नहीं ज़्यादा होता, 100 का होता पता है। तो वो लगेगा, फिर उसके बाद टनल आएगी पहली। तो जामो जाम हुई पी है हिमाचल वाले टोल पे भी भाई साहब। ऑलमोस्ट 400-500 मीटर हुआ है। तो दिल्ली से, हरियाणा से मनाली आने वाले देख लें, सब जगह ऑलमोस्ट जाम है। हालांकि इतना बड़ा जाम नहीं है कि मतलब न्यूज़ बन जाए, बट है, इजी नहीं है। मतलब जनरली आप किसी और टाइम आते हो, मतलब थोड़ा ऑफ सीज़न या थोड़ा मिड सीज़न में आते हो, तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक होता है, 5-10 गाड़ियाँ या शायद उससे भी कम। तो लेकिन आज बहुत है, कंसीडरिंग रात के 1 बजे है, उस हिसाब से काफी ट्रैफिक है। हाँ, ऑलमोस्ट 1 बज गया, मतलब 12:54 हो गए और अभी भी ट्रैफिक अच्छा खासा है। 54 तक की दिक्कत है यार, पीछे पे आ गया 54, फिर आ गया पहले 11:54 पे टाइम बता दे, अब 12:54 हो गए। 54 था यू आस्क मी कि नहीं वो अच्छी सी का ओके कितने घंटे था ना 6 घंटे 54 मिनट और ETA था वो ETA चेंज हो गया, ETA 7:15 से 7:25 हो गया। हे प्रभु। तो ये बॉर्डर वाला टोल भी क्रॉस कर लिया हमने, हिमाचल पंजाब वाला, और यहाँ पे हमारे 100 रुपये लगे हैं। तो इस गाड़ी का जो है जो फुल साइज SUV होती है उसके 100 रुपये लगते हैं, नेक्सोन होती थी उसके 50 लगते होते थे। अरे वो 7 सीटर का चक्कर है, बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बातें। कितना तुरे हुए लोग यार कितना तुरे हुए लोग बिल्कुल डर गए यार। लो ये पहली टनल आ गई ऑलमोस्ट। तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रही है वो नैना देवी को जा रही है, अनंतपुर साहब से नैना देवी और नैना देवी से इधर। तो ये रोड कनेक्टेड है नैना देवी की तरफ से अनंतपुर साहब को। यहाँ से आओगे तो ये वाला टोल भी नहीं लगेगा। तो ये आ गई पहली टनल। टनल नंबर 2 आ गई है, और ये टनल्स के अंदर स्पीड जो है वो 60 की है। वन वे टनल है वो भी, मतलब वन वे सॉरी बोथ वे टनल है। वो पहले वाली जो थी वो बोथ वे थी, लेकिन वो एक साइड की टनल उन्होंने चालू करी थी, दूसरी टनल अभी चालू नहीं करी जो उधर से आने वाली है। तो एक से ही आना जाना चल रहा है। तो ये वाली जो टनल है ये एक ही है, ये दो नहीं है। तो यहाँ पे जगह जगह पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और वहाँ से बच के निकलो। वैसे दूर से दिख जाता है, ये सामने लगा हुआ है, जो जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड बता रहा है कितनी स्पीड से निकली है। जैसे मैं निकलूँगा तो ये बता रहा है 41 बता रहा है मेरी। तो 60 की यहाँ पे लिमिट है, 60 के अंदर अंदर चलो। थोड़ी सी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, 70 तक कर सकते थे। तो टनल नंबर 3 आ गई है, इसकी स्पीड लिमिट 50 है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा DHL का ट्रक आ गया है जिसको निकलवाने की कोशिश करी जा रही है और ट्रैफिक रुकवा दिया है। एक्चुअली राइट साइड पे ये बोलेरो कैंपर खड़ा है, वो ब्रेक डाउन हो गई है, उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है। तो स्वारघाट भी निकल गया और बिलासपुर आ गया। अभी थोड़ा आगे जाके लेफ्ट को रोड जाएगी मनाली को जाएगी, और राइट साइड पे जो रोड जा रही है वो जाएगी बिलासपुर। तो कहाँ स्वारघाट में इतना 2-2 घंटे का जाम लगता होता था ट्रकों की वजह से, और 10-15 मिनट में साफ, मतलब साफ क्या 2 घंटे का रास्ता 15 मिनट में। तो टनल नंबर 4 आ गई है और इसमें स्पीड लिमिट 60 है। टोल के बाद ट्रैफिक ठीक ठाक ही मिला है और इतना कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा। दूसरा टोल आ गया है और यहाँ पे 65 रुपीज़ लगेंगे। तो इस रोड पे मैं सुंदरनगर तक लास्ट टाइम 1 साल पहले आया था, और कहीं कहीं कोई कोई ढाबा था। अब काफ़ी सारे ढाबे खुल गए हैं और खाने की बहुत जगह है, काफ़ी जगह पर ब्रेक ले सकते हो, काफ़ी खाने की जगह है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और ये लो इसी के साथ आ गई है टनल नंबर 5, और इसमें भी स्पीड लिमिट 60 है और टेम्परेचर इस वक्त बाहर का है 32 डिग्री रात के 1:50 पे। वही हमें सुंदरनगर के मेन रास्ते पे ये लेफ्ट साइड पे वही नहर है, लेक है जो भी है, और कुछ लोग अंधाधुन जा रहे हैं ड्राइव करके। इतनी तेज गई ना गाड़ी भाई साहब पूछो ही मत। सुंदरनगर से पहले जो हाईवे, मतलब जो रोड नहीं बनी हुई थी, वो जब बन जाएगी तो यहाँ आगे निकलेगी। ये सुंदरनगर सारा क्रॉस करके यहाँ पे आगे निकलेगा। अब अंधेरे में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा वैसे, बट सुंदरनगर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो सुंदरनगर के बीच में से नहीं आना पड़ेगा फिर। और टेम्परेचर है बाहर का 23 डिग्री, थोड़ा कम हो गया है, और पहले 30 था, 30-32। वही मंडी पहुंच गए और मंडी में ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रात है, आधी रात है और लोकल ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। बढ़िया है। कुछ दुकानें अभी भी खुली हैं, कुछ खाने पीने वाली, मिठाइयाँ वाली। आई थिंक साथ पास में ना एक वो है बस स्टैंड था शायद, उसके चक्कर में खुली है। बस स्टैंड तो आई थिंक चलता रहता होगा, बड़े सालों से यही खड़ा होते। अच्छा लो, गुरुद्वारा आगे मंडी का पत्र कृपा करो मैं रखे हो। तो ये जेसीबी लगी हुई है रास्ता साफ करने में और आई थिंक ऊपर से पत्थर वत्थर गिरे हैं। राइट साइड पे जो पहाड़ी है काफ़ी फ्रजाइल है और सीधी सी है, रोड चौड़ी करने के चक्कर में गलत तरीके से काट दी है। बस जब वो हटेगी तो चलेंगे। फिर पीछे काफ़ी ट्रैफिक है और हमारी गाड़ी आई थिंक दूसरी गाड़ी है, हमारे पीछे काफ़ी ट्रैफिक है और काफ़ी ट्रैफिक अभी निकला भी है। दूर मुझे दिखाई दे रहा है लाल लाल लाइटें जाती हुई। तो जो जेसीबी खड़ी है वो सिर्फ रास्ता रोकने के लिए खड़ी है, कर कुछ नहीं रही है। और आई थिंक आगे कुछ हो रहा है, ट्रैफिक शायद धीरे धीरे करके शायद उधर से छोड़ रहे हैं। क्या है चक्कर है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, तो जैसे ही पता लगता है कुछ बताते हैं। और ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट वेट करने के बाद निकल गए हैं ट्रैफिक से। आई थिंक वो थोड़ा लैंडस्लाइड टाइप ही हुआ था तो साफ कर रही थी जेसीबी, तो उस चक्कर में जाम लगा हुआ था। मतलब हम तो काफी आगे थे, दूसरी तीसरी गाड़ी थी हमारी, हमारे पीछे काफी लंबा जाम है। तो चलो निकलते हैं फिर फटाफट से। लो भी मित्रों पहुंच गए मनाली। मनाली पहुंच गए और ट्रैफिक ठीक ठाक ही था, मतलब इतना कोई खास नहीं था, कम ही था। मतलब पहुंचने पे ट्रैफिक एकदम से बढ़ गया है, रोहतांग वाली रोड पे पड़ गए हैं। मतलब मनाली हम मॉल रोड वगैरह नहीं जा रहे हैं, हम अटल टनल क्रॉस करके जिस्पा जा रहे हैं। तो आज रात जिस्पा रहेंगे। ये देखो कैसे भीड़ लगा रखी है इन्होंने, दोनों तरफ से आते हैं लोकल जो है ना टैक्सी वाले, इधर से भी उधर से भी। खैर क्या करें, मनाली जैसे मैंने बताया मनाली पहुंच गए, रोहतांग वाली रोड पे पड़ गए हैं। और ये काफ़ी लंबा जाम दिखा रहा है जहाँ से मनाली से निकल के, माल रोड से निकल के नदी क्रॉस करके जो रोहतांग को रोड जाती है उस रोड पे है। और अच्छा खासा बलचान वाली रोड पे अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऐसा लग रहा है कि सुबह मतलब सोए ही नहीं है, मतलब लोग ना उठ के बस निकल पड़े हैं। वाकई सोए नहीं है हम तो हम तो सोए नहीं क्योंकि हम तो दूर जा रहे हैं ना। यहाँ हमारे भी ऐसे मतलब सोलांग वाला और तेरा सिसु वाला और तेरा सब ट्रैफिक शुरू हो जाएगा ना अभी। तो चलो चलते हैं फिर, निकलते हैं ट्रैफिक से धीरे धीरे। साइड पे नदी कितनी छोटी सी है और यही नदी पिछले साल कितनी प्रचंड थी। ये मनाली हर 5-7 साल बाद होता है। एक जगह देखना पहाड़ दे कई हिस्सा अनटच्ड होएगा ना, कभी कोई बंदे का पैर गया ही नहीं होगा उससे ना। तो सोलांग वैली भी निकल आए हम और आगे बढ़ गए हैं अटल टनल की ओर और हमें पड़ा है जोर। ठीक है यार, इतना भी ह्यूज ट्रैफिक नहीं थी ना अनलेस के आगे जाके हुए। अच्छा सोलांग भी खाली पे है, ये लोग कितने जा अच्छा रोहतांग वाले मुड़ गए उड़े उधर यार। हाँ मोस्टली उधर जा रहे हैं ट्रैफिक, बर्फ देखने लिए बता देना अपन क्लस्टर यार, क्लस्टर ओवरटेक कर लूं यार। कुछ नहीं समझना क्यों। अटल टनल रहेगी 2 किलोमीटर सिर्फ, और उसके बाद कर जाएंगे एंटर हम लाहौल वैली में। पता नहीं क्यों गई है ना, रुक जा। कौन कर इशारा कराई? मैं क्या चल इदा कर, इदा नहीं कर। मैं क्या जल्दी कट वो इतना जाएगा तो ही वापस आएगा। देखते हैं अटल टनल पे चेकिंग होती है कि नहीं, कई बार नहीं भी होती। लो ये आ गई है अटल टनल। ये आ गई है अटल टनल और बस घुसने वाले हैं अटल टनल में। रील बनानी है। सो खत्म होने वाली है अटल टनल और हम पहुंच जाएंगे लाहौल वैली में। पहले हम थे कुल्लू वैली में, वहां पे 13 डिग्री टेम्परेचर था। इस साइड में और कम हो जाएगा, और लेकिन अभी टनल के अंदर का टेम्परेचर 18 दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले 22 था। देखते हैं बाहर निकल के कैसा माहौल है, और टनल से बाहर निकल के एक बार थोड़ा रुक के देखेंगे और थोड़ी रील वील शॉर्ट वॉट बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसा माहौल है। इधर भी 13 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। वाह, दुनिया चेंज। तो यहाँ से राइट साइड को चले जाएंगे बॉक्सर और काजा के लिए भी, और रोहतांग पास के लिए भी। और लेफ्ट साइड को जाएंगे तो ले जिस्पा, सिसु, तांडी, केलोंग। चलो यहीं रुकते थोड़ी देर और एक वीडियो सा बनाते। वीडियो ही बना लेते मैं कहता हूं। तो ये रहा अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, और इधर से निकल के हम ये पुल क्रॉस करके और फिर ये लेक की तरफ आए हैं। ये रोड लेक को जा रही है, ये रोड ले को जा रही है, और हम जिस्पा जाके रुकेंगे अभी। और उस तरफ जो रोड है वो जाएगी कोक्सर और रोहतांग पास। और बढ़िया माहौल है, ठंड है, 13 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। उधर भी 13 ही था। उधर दिन के टाइम थोड़ा गर्मी हो जाएगी, इधर थोड़ा ठीक रहेगा। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अभी तक गाड़ी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। चले जाए भी पुल बनेगा तो शायद लगता है, तो यहाँ पुल बना के करेंगे क्या? उधर बना तो हुआ है।